अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की हुज्जाज को फ़र्ज़ अदायगी पर मुबारकबाद, आलमे इस्लाम के लिए दुआ की अपील। शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह ताला हमें बहैसियत कौम मुआशी खुद इंसारी की मंजिल अता फरमाए। PDM और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही मुनसफाना इलेक्शन नहीं चाहते। इमरान खान कहते हैं, PDM जमातों ने धांधली के फन में ओजे कमाल तक महारत हासिल की है। भारत से तिजारत, इसराइल से दोस्ती हुकूमत का एजेंडा है। शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत IMF के जाल में फंस चुकी है। कोरोना की छठी लहर, 693 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजावस। मूसलाधार बारिशों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। मिनटों का सफर घंटों में भी तय नहीं हो पा रहा। पानी की वजह से बंद हो जाने वाली गाड़ियों ने हालात को मजीद अबतर बना दिया। यूं लगा जिंदगी ख़त्म हो गई, कोहपेमा शेरोज़ काशिफ की वीडियो जारी। कहते हैं, सुबह होने पर जब उठे तो यूं लगा कि मौजज़ा हो गया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिल एतमाद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली, एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज के दिन की अहमियत के पेश नज़र दुआ की है कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से निकाल दे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस हज की सआदत हासिल करने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद देते हुए आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज अकबर की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज समेत पूरी उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के आलम इंसानियत बिलखसूस मुसलमानों पर रहम, उम्मत के इत्तेहाद, तरक्की, खुशहाली, वबाओं से निजात, मकबूजा फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी और मजलूम इंसानियत के दुखों और मसाइब से निजात की दुआ की अपील करता हूँ। शहबाज शरीफ ने हज के दिन की अहमियत के पेश नज़र दुआ की कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्ज की दलदल से निकाल दे, हमें बहैसियत कौम मुआशी खुद इंसारी की मंजिल अता फरमाए, शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की खसूसी दुआ करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीक़ों में से 130 से छुटकारा पाया जा सकता था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही मुल्क में आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं चाहते। ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वजीर आजम ने कहा कि पतन की हालिया रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि शर्मनाक हद तक मुतासिब और कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन की तरह इन दो मुजरिम माफिया खानदानों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुखालफत क्यों की। इमरान खान ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीकों में से 130 से छुटकारा पाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि पीडीएम जमातें जिन्होंने बरसों की रियाजत से धांधली के फन में औजे कमाल तक महारत हासिल की है आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात चाहती हैं, ना ही हमारी मुक्तदरा ये चाहती है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि 31% महंगाई और 15% शरह सूद बढ़ गई, अब सरमायाकारी कौन करेगा। वजारतों का जुम्मा बाजार लगा है, लोग भूख से मर रहे हैं, गोरकन तमाशा देख रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती हुकूमत का एजेंडा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि भारत से तिजारत, इसराइल से दोस्ती और ड्रोन बेसिस की इजाजत हुकूमत का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF के जाल में फंस चुकी है, 400 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, बिजली 9 रुपए यूनिट मजीद महंगी होगी। सोलर एजेंसी कमीशन के पीछे असल चेहरा शहबाज शरीफ खानदान का है। पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। उन्होंने कहा कि 31% महंगाई और 15% शरह सूद बढ़ गई है, अब सरमायाकारी कौन करेगा। वजारतों का जुमा बाजार लगा है, मनी लॉन्डर हुक्मरान बन गए, लूट मार का बाजार गर्म है। शेख रशीद का कहना है कि लोग भूख से मर रहे हैं, गोरकन तमाशा देख रहे हैं। 20 निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब फैसला कुन होगा, आइंदा 45 दिन जमहूरियत और हुकूमत का फैसला कर देंगे। कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 21,137 टेस्ट किए गए। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 693 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 21,137 टेस्ट किए गए, जिसमें से 693 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। अगरचे गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से अमवात की शरह 0% रही, लेकिन कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त 135 मरीजों की हालत अब भी तश्वीशनाक है। शहर कायद में जगह जगह पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसलाधार बारिशों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। गनाब का थदो डैम ओवरफ्लो हो गया, लट नदी में 3 अफराद बह गए, मलीर नदी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि रेस्क्यू टीमों ने नदी में फंसे 4 अफराद को बचा लिया। शहर कायद में जगह जगह पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मिनटों का सफर घंटों में भी तय नहीं हो पा रहा। गाड़ियाँ पानी में डूब रही हैं, लोग उन्हें निकालने के लिए धक्के लगा रहे हैं, जबकि पानी की वजह से बंद हो जाने वाली गाड़ियों ने हालात को मजीद अबतर बना दिया है। नांगा पर्वत पर फंस जाने वाले कोहपेमा शेरोज काशिफ ने कहा है कि एक वक्त पर सोच लिया था कि अब जिंदगी खत्म हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नांगा पर्वत पर फंस जाने वाले कोहपेमा शेरोज काशिफ का कहना है कि एक वक्त पर सोच लिया था कि अब जिंदगी खत्म हो गई। गिलगित वापसी पर शेरोज काशिफ की सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो आर्मी रेस्क्यू टीम के साथ अपने ख्यालात शेयर कर रहे हैं। 20 साला शहरोज काशिफ कहते हैं कि नांगा पर्वत से वापसी पर मौसम खराब होने से बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई। 7,500 मीटर बुलंदी पर -45 में बर्फ खोदकर उसके अंदर थोड़ा लेट कर मैंने और फजल अली ने रात गुजारी। उन्होंने कहा कि बर्फ के अंदर मुंह करके ये सोच कर लेटे थे कि अब इसके बाद जिंदगी नहीं है, ताहम सुबह होने पर जब उठे तो यूं लगा कि मौजा हो गया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।